माल की बात हुई तो हजरत अस्मा जो थी उनको सदका करने का बहुत शौक होता था। इनके शौहर का नाम क्या था? जुबैर बिन अवाम। अस्मा बिन अबी बकर से रवायत है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई, अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी, मेरे पास कोई चीज नहीं सिवाय उसके जो जुबैर मुझे दे। यानी मैं खुद कुछ नहीं कमाती, कुछ है ही नहीं, मैं क्या सदका करूँ? क्या मुझ पर कोई गुनाह है कि अगर मैं उस दिए हुए में से कुछ सदका करूँ? ये अक्सर औरतों का सवाल होता है। तो हज़रत अस्मा ने ये सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करके हमारे लिए जवाब ले लिया। तो आपने फरमाया, जितनी तुम में ताकत हो इतना दो, वला तू की फयू का अलई की, और जमा करके न रखो वरना अल्लाह तुमको भी देना बंद कर देगा। यानी जो पैसे शौहर तुम्हें दे देता है खर्च करने के लिए और उससे तुम दुनिया की चीजें, घर की जरूरत की चीजें ले रही हो, तो उसमें से सदका भी कर दो जितनी तुम में इस्तेआत है, यानी बाकी जरूरियात के साथ। ये भी तो एक जरूरत है ना, समझ रहे हैं इस बात को? अक्सर खवातीन को ये कन्फ्यूजन रहता है, क्या दें क्या ना दें, कहाँ से दें, खुद नहीं कमाते, सदका कहाँ से करें, अगर हमने दे दिया तो कहीं ये गुनाह ना हो। कभी वो कुछ भी नहीं देती और कुछ सारा कुछ ही दे देती हैं, कुछ फिर मजीद चोरी करने लगती हैं कि ये करके हम कोई खैर का काम कर लें। ये सारे तरीके दुरुस्त नहीं। क्या करना चाहिए? रोजमर्रा जिंदगी में सदका खैरात इसी तरह शामिल कर लेना चाहिए जैसे हम अपनी दीगर जरूरियात छोटी मोटी पूरी करते रहते हैं। मसलन अगर आपने अपने घर वालों के लिए खाना खरीदा और उसको आप पका रही हैं, आप घर वालों को खिला रही हैं, तो साथ किसी यतीम मिस्कीन को भी खिला दें, इसमें क्या मुश्किल है? अब उस वक्त आप ये हिसाब करने बैठेंगे, ओह नो, मैं तो ये नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर की आमदनी। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब बहुत खूबसूरत है। आपने फरमाया, जितनी तुम में ताकत हो, जो तुम उसमें से कर सकती हो उसे दे दो, और जमा करके ना रखो, लातू की फयू का अलई की, बंद ना करो तुम पे भी बंद कर दिया जाएगा। हजरत अस्मा को चुके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि तुम बंद ना करो तुम पे भी रोक दिया जाएगा, तो वो रोकती नहीं थी, जो आता था जब देना होता था साथ साथ देती जाती थी। और हजरत आयशा क्या करती थी कि वो जब कुछ इकट्ठा हो जाता, जमा हो जाता, फिर उसके साथ वो देती। दोनों ही तरीके दुरुस्त है। अब्दुल्ला बिन जुबैर से रवायत है, कहते हैं कि मैंने आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा और अस्मा से ज्यादा किसी औरत को सखी नहीं देखा, बहुत ज्यादा सखावत करती थी। उनकी सखावतें दो तरह की थी। हजरत आयशा जमा किया करती थी और जरा जरा जमा करती थी, जब कुछ जमा होता तो तकसीम करती, और हजरत अस्मा कल के लिए जमा नहीं करती थी, साथ ही दे देती थी। अब आप में से जिसको जो सूट करे वो तरीका इख्तियार कर ले। इससे ये पता चलता है कि दीन में वुसअत है। किसी एक लगे बंधे तरीके को दीन समझना और उससे जरा इधर उधर होना, उसको गैर दीन समझना, ये दुरुस्त नहीं। हर शख्स को अपने हालात के मुताबिक नेकी के काम करने चाहिए। असल चीज है मकसद का हुसूल। रास्ता इधर से भी जा सकता है और इधर से भी जा सकता है, बशर्ते कि आप वहीं पहुंचे जहां पहुंचना चाहिए, करें वही जो करना चाहिए। जी, वो भी सदका ही होता है, क्योंकि इमरजेंसीज में किसी की जरूरत पूरी करना। आपने एक नियत से अपने हज के लिए पैसे जमा कर रहे थे, इतने वालिद बीमार हो गए और उनके इलाज के लिए पैसे ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इंसानी जान कीमती है, आप वो पैसे उनको दे देंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपकी नीयत पूरी कर देगा और आपको हज का सवाब भी मिल जाएगा।